प्रत्याशी अब बुद्धिजीवियों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। इसी दौरान बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी धर्म और जाति के समुदाय के बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस दौरान बुद्धिजीवियों ने धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के विजन पर भी चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम धनबाद के लिए बेहतर विकास का काम करेंगे और चुनाव में जीत भी हासिल होगी। सभी बैठ जाएं। अच्छी बैठक थी, सब मेरे अभिभावक गण थे, सब मुझे आशीर्वाद देने आए थे और मुझे पता था कि वो मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे और उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। इसके लिए आपके माध्यम से भी मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनता, कोयलांचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ पे एम्स आने की बात थी, एम्स नहीं आई। यहाँ पे एयरपोर्ट आने की बात थी, एयरपोर्ट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के शासनकाल के 3-3 बार के सांसद रहे हुए।